नए नए प्राकृतिक चीजों का आविष्कार किया जा रहा है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गोबर से प्राकृतिक पेंट के निर्माण की तकनीकी के हस्तांतरण के लिए कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य गौ सेवा आयोग के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे सहित अन्य मंत्रीगण एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक किसानों, ग्रामीणों सहित गौठान समितियों, महिला स्व सहायता समूहों को 2,35,00,000 रुपए की धनराशि ऑनलाइन जारी की। बलरामपुर जिले में भी कांग्रेसियों ने विजय दिवस मनाया। कृषि कानून बिल को वापसी के बाद घोषणा जैसे ही हुई, प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने इसे विजय दिवस के रूप में मनाया और लगातार मना रहे हैं। बलरामपुर जिले के राजपुर विकास खंड में कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ता प्रेस वार्ता करके विजय दिवस मना रहे हैं और किसान आंदोलन में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप सबों ने देखा है कि जिस तरह से आजादी के बाद मोदी की सरकार, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसानों का साथ हमेशा दिया है और जहां तक किसानों के लिए देश में मोदी जी की सरकार आने के बाद जो काले कानून बनाए गए थे, तीनों काले कानूनों को लेकर के समूचे देश के किसान आंदोलनरत थे और उन्हीं के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी हर जगह संसद से सड़क तक किसानों के हित में उनकी लड़ाई को लड़ा और उनके लिए अपनी बात रखी। और आज जो हमारी ये जो आप सबों के साथ प्रेस वार्ता थी, ये इस प्रेस वार्ता का मकसद था, हम कांग्रेस के लोग आज विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। खबर सुकमा से है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बालकों के संरक्षण एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने और अभिभावकों को जागरूक करने के उद्देश्य से अभिव्यक्ति कार्यक्रम अंतर्गत बाल सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन थाना कोटा में विविध खेल, रंगोली, चित्रकला, निबंध, कविता, अभिव्यक्ति लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बालकों को पुलिस अधीक्षक की ओर से पुरस्कृत किया गया। सुकमा के निर्देशानुसार संपूर्ण जिले में बालकों के संरक्षण एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा छात्रों, अभिभावकों एवं नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से अभिव्यक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 14 नवम्बर 2021 से 20 नवम्बर 2021 तक बाल सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इसी तारतम्य में अनुविभाग कोंटा के अंतर्गत यह बाल सुरक्षा सप्ताह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। और यहां रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद रिंगाल से बना ये बेजोड़ हस्तशिल्प आज देश ही नहीं विदेशियों को भी खूब भा रहा है। इन्हें गिफ्ट हैम्पर के साथ ही साज सज्जा और अन्य कई तरह के उपयोग में लाया जा रहा है और ये सब संभव हो पाया है उत्तराखंड सरकार की हस्तशिल्पियों के लिए शुरू की गई स्वरोजगार योजना से। सरकार ने उद्यमशील युवक युवतियों, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों को स्वरोजगार की ओर अभिप्रेरित करने का बीड़ा उठाया है। उद्योग विभाग द्वारा मार्गदर्शन देने के साथ ही उद्यम स्थापना से संबंधित सभी योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। सरकार की इस पहल से जहां हस्तशिल्पियों को घर पर ही रोजगार मिल रहा है, वहीं उत्तराखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प को भी मिल रही है नई पहचान। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में कराई जा रही है उपलब्ध। यहाँ पे हम हैंडीक्राफ्ट में रिंगाल से ज्वेलरी बनाते हैं और खजूर के पत्ते से ज्वेलरी बनाते हैं और काफी ज्यादा बिकती भी है, बाहर के लोग ज्यादा पसंद करते हैं इन चीजों को। जो आज हमारा रिंगाल हस्तशिल्प और वुडन क्राफ्ट का हस्तशिल्प है, वो हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी हमारे रिंगाल की जो है काफी मांग हो रही है। मैं इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का तहे दिल से धन्यवाद
दे पाऊँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को धरातल पर उतार रही है उत्तराखंड सरकार। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। बलौदा बाजार जिले के कसडोल में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों द्वारा फन फेयर मेला लगाया गया, जिसमें बच्चों ने शिक्षक और शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में लगभग 30 स्टॉल लगाए, जिसमें मुख्य रूप से आइसक्रीम, गुलाब जामुन सहित 36 गली व्यंजन का स्टॉल लगाया गया, जिसमें बच्चों के परिजन सहित नगर के लोग बड़े उत्साह से विद्यालय पहुंचकर बच्चों की दुकानों से हैं होममेड सामानों को खरीद रहे हैं और बड़े चाव से खा रहे हैं। इस दौरान बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। आत्मानंद विद्यालय में स्टाफ और स्टूडेंट के द्वारा एक बहुत ही मनोरंजक और स्वास्थ्यवर्धक यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। हम लोगों ने तो खाया और स्प्राउट आइसक्रीम बहुत विभिन्न तरह के यहाँ पे व्यंजन से कुछ छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी हैं और इस ये सब देख के बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। खबर बेमेतरा से है, जहाँ नवागढ़ विकासखंड में महिला खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा महिला खेल कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता और शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवागढ़ विकासखंड के लगभग 20 स्कूलों के बच्चों ने कबाड़ से जुगाड़ प्रश्न पर मॉडल तैयार कर अपने अपने प्रतिभाओं को बिखेरा। वहीं नवागढ़ विकासखंड के लगभग 30 शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। अभी विकासखंड नवागढ़ में खेल एवं युवा कल्याण विभाग जिला बेमेतरा के तत्वाधान में बच्चों के अभी महिला टीम प्रतिभागी रही, जिसमें खेल का आयोजन किया गया था। उसमें कबड्डी, वॉलीबॉल और खो खो और बहुत सारे खेल थे। और अच्छा चीज़ ये देखने को मिला कि कबाड़ से जुगाड़ का वहाँ इंस्टॉल लगा था, जिसमें बच्चों ने तरह तरह के मॉडल और यहाँ तक कि जो हमारी भूपेश सरकार की कांग्रेस सरकार की योजना है नरवा गरवा गुड़वा बाड़ी, उसका भी डेमो उन्होंने बनाया था और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया। खबर मुंगेली से, जहाँ 6वीं राज्य स्तरीय सीनियर जूनियर ड्रॉप रोप बॉल प्रतियोगिता का आयोजन डॉक्टर श्यामा मुखर्जी स्टेडियम मुंगेली में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुभारंभ किया गया। 3 दिवसीय इस राज्य स्तरीय खेल स्पर्धा में 15 जिलों से 300 खिलाड़ी एवं 50 ऑफिशियल सम्मिलित हुए। आगामी राष्ट्रीय ड्रॉप रो बॉल प्रतियोगिता भीलवाड़ा राजस्थान में अपने खेल कौशल का जौहर दिखाएंगे, जो दिसंबर में आयोजित है। ड्रॉप रो बॉल प्रतियोगिता जो कि हमारे मुंगेली को आयोजन करने के लिए दिया गया था और इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लगभग 150 बॉयज़ हैं और 150 गर्ल्स यहाँ पर आई हुई हैं स्टेट टूर्नामेंट खेलने के लिए। इस आयोजन में सेलेक्ट हो गए बच्चे राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता होनी है उसमें सम्मिलित होंगे और यह आयोजन जो है वो 3 दिनों का है। आज उद्घाटन था और 21 तारीख को समापन है। मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा इस खेल के जो मुख्य फाउंडर हैं हरियाणा में रोहतक शहर में जो ईश्वर सिंह जी आर्या हैं, उन्होंने इस खेल को खोजा था। 2008 में इस खेल का पहला आयोजन राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ में चांपा में ही हुआ था। तब से ये खेल निरंतर छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है और ड्रॉप रो बॉल के बारे में आपको मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि ये ऐसा खेल है जिसमें चोट लगने का बिल्कुल भी डर नहीं है, एकदम सुरक्षित खेल है और सारी गतिविधियाँ जो खेल में शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं सब इस खेल में शामिल हैं। और हमारे लिए गौरव की बात है कि बॉल से जुड़ा हुआ कोई भी खेल ये पहला भारतीय खेल है जिसमें बाल शब्द जुड़ा है, अन्यथा जितने भी बाल से जुड़े हुए खेल हैं सब अंतर्राष्ट्रीय या दूसरे देशों से आए हुए हैं। जी, जैसा कि ड्रॉप रो बॉल जो हमारा गेम है वो एक परंपरागत स्वदेशी गेम है और इस स्वदेशी गेम को आज राष्ट्रीय स्तर की पहचान भी मिल चुकी है और इस तरह के गेम्स का, इस तरह के स्पोर्ट्स का आयोजन होना मुंगेली में अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं सबको बधाई देना चाहूँगी जिला ड्रॉप रो बॉल संघ मुंगेली के सभी आयोजकों को और सभी खिलाड़ियों को भी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि इस तरह के खेल को वो आगे बढ़ाएं और आगे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश में अपना नाम रोशन करें और इस राज्य का भी नाम रोशन करें, इस गेम का भी एक विश्व।
खबर बिलाईगढ़ से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फूड प्वाइजनिंग का मामला सामने आया है, जहां 18 व्यक्तियों को गंभीर हालत में एडमिट किया गया है। बताया जा रहा है सभी पीड़ित ग्राम पौनी से सिमरिया विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सिमरिया में सभी ने नाश्ते में साथ कुछ मिठाइयाँ खाई, जिसके बाद सभी की हालत बिगड़ गई और पेट दर्द के साथ उल्टी दस्त शुरू हो गए। कई लोगों की हालत ज़्यादा खराब हो गई। आनंद फानंद में सभी को बिलाईगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ में? हॉस्पिटल कैसे पहुंचे? कल पौनी से समरिया बारात गए थे, तो वहाँ नाश्ता किए, तो उसके बाद उल्टी टट्टी। यहाँ हॉस्पिटल कितने बजे पहुंचे आप लोग? 11:30 बजे। कई लोग बारात गए थे पौनी से, तो इनके कंटामिनेटेड फूड नाश्ता किए थे दूषित वाला, उसके वजह से ना इनको उल्टी दस्त पेट दर्द चालू हो गया। तो ये कल रात को 18 पेशेंट हमारे यहाँ आए थे, जिसमें 3 को पेट दर्द बहुत ज़्यादा था और उल्टी दस्त था। अभी तो पेशेंट अभी स्टेबल है। और देश दिल्ली में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश, जो 2017 से पहले तक माना जाता था बीमारू प्रदेश, पिछड़ा हुआ प्रदेश, सुस्त प्रदेश, मगर डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने